हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, गुड इवनिंग। सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है ये डी ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चनों पर। जैसे कि आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिखा हुआ आपके बढ़िया से। तो कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे कि जो आपको डेली यूजुअली जो याद भी रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पर यूजुअली आपको याद भी रहते हैं, कि जैसे कि डीपीसी किस में मेजर करते हैं, या आप स्टील वर्क को किस में मेजर करते हैं, प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं। इस तरह के कुछ आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, कुछ इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें कि आपको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा, तो उन क्वेश्चनों को भी डील करेंगे। लगभग लगभग 10% 15% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कि मेहनत थोड़ा सा लगती है, वो भी आपको बताऊंगा। सेंट्रल लाइन मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली रैपिड फायर वाले होंगे, धनाधन, जिनका जवाब करना है। चलो बिना देरी करे हुए आगे बढ़ाएंगे सेशन को। कैसे हैं सब लोग ज़रा बता दें, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी करे हुए। हाँ, गुड इवनिंग सर मुकेश जायसवाल, गुड इवनिंग मस्किम जी, गुड इवनिंग जी। बोल रहे हैं सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ बेटा धन्यवाद, मजे ले रहे हो यार, सही में बोल रहे हो तुम्हारा भरोसा भी नहीं होता ना, एक तो भरोसा भी नहीं होता ना तुम लोगों का, एक तो मजे ले रहे हो यार, सही में कर रहे हो कुछ तारीफ। चलेगा, ये थोड़ा सा जानकारी आपका DFCCL टेस्ट सीरीज का, और इसके बारे में आगे मैं लास्ट में भी डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं बिना देरी करे हुए। चलिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में भी रखे हुए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। एक सेकेंड। हाँ क्या सर, पहला क्वेश्चन तो कराओ आप, अब बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, ये खुद से बढ़ रहा है यार एक्चुअली में ना ये। एक सेकेंड, नहीं तो यहाँ बाढ़ आने वाली है। ये लो लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलो कोई नहीं, घबराओ मत आप, पहले क्वेश्चन पर आऊंगा मैं आज की क्लास का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो जी, देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी बुकों से एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो ज़रूर इनको ईमानदारी से सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन का। बोल रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो फिगर है, इस फिगर में आपको देखना है क्या है, चार तरह का स्टेटमेंट दिया है, कौन सा करेक्ट बैठ रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से जरा क्लास को शेयर करें फटाफट से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके लिए, एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है इसका मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डायनमो, गुड वाली इवनिंग सुविधा शिवधर सिंह यादव, गुड इवनिंग। चलो एक बार फिर से वंस अगेन सबको गुड इवनिंग। चले हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, फटाफट से शेयर करो जरा क्लास को, दमादम करके शेयर करो, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से। चलिएगा जल्दी से करें। चलिए स्टार्ट करें क्या? सभी लोग में से किसी ने जवाब नहीं दिया, एक ही का आया है बस आंसर, मिस्टर जायसवाल। देखिएगा मुझे थोड़ा सा इसके पीछे का रीजन बताना होगा, वैसे तो आंसर शायद आपने ए जो किया, डी जो नहीं किया है, जितने भी लोगों ने अच्छा किया है डी ही इसका आंसर है, बट चीजों को समझने की कोशिश करिएगा विद्यार्थियों। क्या है कि यहाँ पर ये जो 80 mm आपका ये जो दे रखा है, ये 80 mm, अब ये तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पर लगाना था। कोई भी आप दीवार बनाते हैं तो ये जब 4.8 मीटर का है, ये तो भाई 80 मीटर तो होने जरा चौड़ाई, इसका मतलब ये 80 mm है। 80 mm का मतलब होता है 0.8 मीटर, क्या बोल सकते हो क्या?
अगर आप यूनिट का खेल खेलते हो तो, ठीक है ना, क्लियर है, इसमें आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो मतलब कि ये हो गया आपका कहानी का मतलब, ये मैं अलग से बना के आपको दिखा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, ये तुम्हारा इंटीरियर एरिया है, ये जो थिकनेस मैंने कहा ये 0.8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, खत्म। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये वाला जो पूरा लेंथ है सर ये हो जाएगा 4.8, चलो ठीक है। ये वाला जो पूरा लेंथ है आउटर से आउटर, तो ये है सर 6.5। आप अब पहला चीज आते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जब हमारे पास बोला गया है ए स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ए को, टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द फोर वॉल इज 20 मीटर। कैसे? सेंटर लाइन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि यहां से ये वाला लेंथ, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, जल्दी से बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, ये वाला लेंथ हो जाएगा सर 4। क्यों? आप 4.8 में से आप माइनस कर दोगे, कर दोगे क्या? वेरी गुड, सेंटर लाइन मेथड समझते हो क्या? मतलब कहने का मतलब मेरा ये है डियर स्टूडेंट, आप घबराए ना, कि ये वाला लेंथ हमें चाहिए, ये वाला लेंथ। अगर इसमें सेंटर लाइन मेथड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं समझा देता हूँ। सेंटर लाइन का मतलब इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच डियर स्टूडेंट, बीचों बीच, बीचों बीच इसकी बात किया जा रहा है, समझो चीजों को ध्यान से, इसकी बीच बात की जा रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या आपका 4 पॉइंट, अगर आप 4.8 में से माइनस कर दो, 0.8 का हाफ होगा इधर, 0.8 का हाफ इधर होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ भी सेम 0.8 का हाफ होगा, तो कुल मिला के हाफ उधर से काट दो, हाफ उधर से काट दो, तो कल मिला के आपको 0.8 में से 4.8 में से आप क्या करोगे, जब ध्यान से समझो, ये हो जाएगा आपका क्या 4 मीटर। क्या कैसे हुआ सर 4 मीटर? आपने क्या कर दिया, जब आपने 4.8 में से 0.8 को माइनस कर दिया होगा तो 4 मीटर मिला होगा। सेम कहानी, क्या आपका ये वाला लेंथ जो मिला होगा यहां से, जरा बताओ जल्दी से, कौन सा लेंथ की बात कर रहा हूं सर, ये वाला लेंथ जो मिला होगा ये 6 मीटर मिला होगा। अब क्या है ना कि जब हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 6 + 6 तो आपका दोनों साइड हो जाएगा, +4 + 4 सेंटर लाइन का मतलब समझ गए आप, तो इसको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में आएगा, गारंटेड है, गारंटेड है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। इसलिए ध्यान से समझो चीजों को, हर एक क्वेश्चन के पीछे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन छुपे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये हो गया आपका 20 मीटर। अब आते हैं कि लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, वेरी गुड, ये तो आपको दांतकारी है, आउट टू आउट की बात किया जाए तो 6.8 ये दिख रहा है आपको, देखो है कि नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल, अब ये जो छोटा लेंथ है शॉर्ट वॉल है इसका लेंथ, लेकिन इसने साथ साथ बोला इन टू इन, अब इन टू इन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अब देखेगा क्या होता है इन टू इन का मतलब, जब आप 4.8 में से माइनस करोगे 1.6 तो ये मिलेगा आपको 3 पॉइंट। सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, मैं बता देता हूं आपको, ये आपने ये वाला लेंथ निकाल दिया डियर स्टूडेंट, आप भूल क्यों जाते हैं, ये वाला लेंथ निकाल दिया आपने, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल ये निकाल दिया आपने, तो आपने क्या किया होगा 4.8 तो ये पूरा था, इसमें से आपने क्या कर दिया 0.8 इधर से घटा दिया, ये देखो 0.8 इधर से घटा दिया और 0.8 आपका यहां से, तो कुल मिला के ये पॉइंट आपने 1.6 घटा दिया ना, दोनों को जोड़ दो 0.8 और 0.8 कितना होता है 1.6, कुल मिला के ये जो लेंथ आ गया आपका ये आ गया 3.2, यही ना है वो, अरे आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड, तो ये भी सही है सर, तो कुल मिला के डी ऑप्शन आप सभी लोगों का सही हो गया। तो आज के बाद गलती नहीं करोगे ना, नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं थी, दमादम आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो जवाब करें इस क्वेश्चन का। HPSSC JEE, कितने लोगों को समझ आया है क्वेश्चन, सबको समझ आया क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ ना आया हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको समझा दिया, जितना समय नहीं भी लगाना था उतना भी लगा दिया, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो जरूर एक बार बताएं, संपर्क करें, संपर्क को साधें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, ठीक है ना, भावनाओं को समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
द वेट ऑफ द 20 mm डायमीटर बार पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, पर मीटर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, जरा जवाब करो। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हैं कि जब आप कभी भी भार निकालते हैं, वेट निकालते हैं, डियर स्टूडेंट क्या है, क्या है एक्चुअली में, जब आप डेंसिटी पढ़ते हो तो ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, जरा जरा बताओ सर, जरा बताओ सर, वेट की बात, डेंसिटी की बात करूं मैं, डेंसिटी की बात करूं, लेकिन डेंसिटी किसका? स्टील का। तो ये होता है सर 7850 किलोग्राम, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबको याद है क्या? बिल्कुल याद भी होना चाहिए, जिसको याद नहीं है तो आज याद कर दो, ठीक है। बार पर मीटर लेंथ ऑफ दी अप्रोक्सीमेटली, जरा बताओ जरा हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है ना, निकालना क्या है, वेट निकालना है, तो निकालो जरा फटाफट से। देखो अगर यहां पर वेट का फॉर्मूला अगर आप देखते हो इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा, तो आप बोलोगे सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितने लोगों को समझ आ रहा है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो स्टील के लिए आप पढ़ते हैं सर 7850 पढ़ते हैं, और बहुत बढ़िया 7850 पढ़ते हैं, लेकिन वॉल्यूम में तो सर हम एरिया इंटू हाइट ही, एरिया इंटू लेंथ पढ़ते हैं, बट आपको वेट कितने के लिए पूछा है, ये जो बार है हमें पता नहीं है, हमें बार का कितना एरिया चाहिए, चाहिए एक मीटर तक, एक मीटर की लेंथ तक वेट चाहिए, मतलब कि लेंथ की जगह हम रख देंगे एक मीटर, एरिया की जगह रखेंगे सर हम पाई बाय फोर ऑफ डायमीटर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार लेंगे हम, पाई बाय फोर ऑफ डी स्क्वायर, खत्म, खत्म हो गई बात। तो वेट आ जाएगा यहां से 7850 इंटू पाई बाय फोर, कितने एमएम का बार है जी, 20 mm का बार है ना, इंटू वन कर दो, बस हो गया काम खत्म, निकालो फटाफट से, क्या हो जाएगा, 2.2, रटो मत, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, 2.472 किलोग्राम आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर दे रहा है बताओ जरा, बोलो ए ऑप्शन में है क्या, वेरी गुड। तो ए ऑप्शन कितने लोगों ने किया था, सभी लोगों का था क्या, वेरी गुड, अपना अपना तरीका है, बिल्कुल समझ गए सब लोग, मतलब चलेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी जेईई का पुराना क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर ऑफ डुअर्स एंड विंडो इज कैलकुलेटेड इन, क्वांटिटी ऑफ वुड, लकड़ी फॉर द शटर ऑफ डुअर, दरवाजा, शटर जो होता है दरवाजा, दरवाजे का जो शटर होता है, दरवाजे में सारी चीजें आ जाती हैं, शटर स्पेशली पैनल को बोला जाता है, चलो विंडो इज कैलकुलेटेड, किसमें कैलकुलेट करते हैं जी, जरा बताओ जरा फटाफट से, हाँ सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सब लोग, वेरी गुड, आंसर करें जरा, क्वांटिटी ऑफ वुड, एसएससी जेईई 2014 में वह क्वेश्चन आया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर, चलेगा, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट मीटर स्क्वायर में इसको करते हैं हम, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सब लोगों का सही हो गया, आगे चलते। अब जिनमें भाई बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है, जिनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जिनमें आपको याद ही रखना है, रटना ही है, तो उसमें मैं बिल्कुल समय नहीं लगाऊंगा, हाँ जहां समय लगाने की मुझे जरूरत होगी तो भरपूर मुझे समय लगाना ही पड़ेगा, और लगा ही रहूंगा, मैं लगा के ही रहूंगा, चलेगा। इफ द डी इज द डायमीटर ऑफ माइल्ड स्टील बार, दिस इज द एमएस बार, एमएस बार और टॉर स्टील बार, ओके, इन द एमएम एंड स्टैंडर्ड वेट इन किलोग्राम पर मीटर ऑफ दी बार इज इक्वल टू, बोलो जरा कितने लोग निकाल पाएंगे इसको, जल्दी से जवाब करें, निकाल दोगे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल देगो। देखो अभी जस्ट पहले की बात करते हैं हम, हमारे पास अगेन वही चीज है, निकालना ही वेट आपको, और वेट इज इक्वल टू, अभी चीज मैंने कहा आपको कि डेंसिटी करो, लेकिन क्या है ना किलोग्राम में चाहिए आपको, तो निकालो कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम में चाहिए तो 7850 किलोग्राम आप जानते ही हो, ठीक है ना, और इंटू पाई बाय फोर ऑफ डी स्क्वायर, है ना, इसको करो सॉल्व, ठीक है ना, चलो करते रहो जल्दी फटाफट से। लेकिन एक खेल है यहां पर, ये क्या है ना एक्चुअली में, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, तो एक्चुअली में इसको 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को नीचे अगर आप लिखें यहां पर, तो ऐसा लिखना पड़ेगा इसको 1/10 की पावर -3, है ना,
10 की पावर प्लस 3, ये तुम्हारा मीटर क्यूब एमएम क्यूब में आ जाएगा फिर, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर ऊपर लिखें 7850 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू पाई बाई 4 ऑफ डी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा दे देगा इसमें, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो 0.00618 डी स्क्वायर करके देखो जरा खुद से, समझ गए क्या, चेंज करेंगे ना, समझ गए क्या, क्योंकि एमएम में बोला था जो डायमीटर है वो एमएम में रखना है, तो उस हिसाब से हमें ये भी चेंज करना पड़ा, डेंसिटी को भी चेंज करना पड़ा, किलोग्राम पर एमएम क्यूब में आपने कर दिया उसको, किस में कर दिया, किलोग्राम पर एमएम क्यूब में कर दिया, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डर होगा, समझ गए क्या। ओके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज, कन्वेंशनल साइज पता होना चाहिए आपको, जिन लोगों को कन्वेंशनल साइज पता नहीं है तो फिर गलत कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो मैं बताऊंगा आज, खैर आज की क्लास में तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज दिखा भी है उसने ब्रिक को लास्ट में, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक ऑन द एज सोलिंग इज, बोलो डियर स्टूडेंट, कन्वेंशनल साइज क्या होता है ये बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल साइज की अगर मैं बात करूं ब्रिक का, ये होता है 22.9 इंटू, जल्दी से बोलो, 11.22.9 तो कम आ रहे हैं क्या, 11.5 इंटू 7.6, ये होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये तो हो गया आपका साइज, मतलब कि ये वॉल्यूम मिल गया आपको एक तरह से, क्या मिल गया, वॉल्यूम, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हमें चाहिए ईंट की कोर सोलिंग के लिए ईंटों की संख्या, अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या करना होता है, ईंट का, ईंट ऐसी होगी ना, इस तरह से समझो चीजों को, ये कुछ ऐसा होगा ईंट, ठीक है ना, ये तो हमारे पास यहाँ पर एक तो लेंथ तो चाहिए होगा, है ना, एक लेंथ तो चाहिए होगा और एक डेप्थ चाहिए होगा, तब जाके एरिया हमारा काम करेगा, ठीक है ना, चलेगा तो करते हैं, कोई बात नहीं है। देखिएगा यहां पर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ईंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईंट ब्रिक दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमें कितना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब ये 1000, ठीक है ना, 1000 हो जाएगा, ये इसको कर दो ऐसा, सेम उसमें कर दो, वॉल्यूम में कर दो कुल मिला के, और ये हो जाएगा सर अपॉन में 22.9 इंटू 7.6, तो ये बताओ सी कहाँ आ रहा है, सी थोड़ी आएगा, कितना आ जाएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, 34 कैसे आएगा, 54 आएगा इसका एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में आंसर तो कोई भी नहीं मैच कर रहा है, 50 के करीब आ रहा है, बट हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीचे जो हम जाएंगे ज्यादा करीब वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 1 टन क्षमता वाले ट्रक में कितने ईंटें एक साथ ले जाई जा सकती हैं, बोलो ट्रक की क्षमता कितना है, ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, बोलो बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलिएगा, बोले द ट्रक कैपेसिटी, ट्रक कैपेसिटी इज 8 टन, बोलो ट्रक कैपेसिटी कितना है, 8 टन है, जल्दी से जवाब करें और थोड़ा सा मेहनत से जवाब करें, मेहनत करके जवाब करें, तो 8 टन का जो ट्रक है डियर स्टूडेंट, आप जानते हो क्या, एक ईंट जो अगर बात करें, एक ब्रिक का जो अगर मैं थोड़ा सा वेट आपको बताऊं, पता भी होगा शायद आपको, लगभग लगभग 3 किलोग्राम का होता है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 3 किलोग्राम लेके हम चलते हैं जो भी कैलकुलेशन चलते हैं, ठीक है ना, तो 3 किलोग्राम का जो है एक ब्रिक है, समझ गए, 3 किलोग्राम का एक ब्रिक है, अगर मुझे चाहिए 8 टन क्षमता वाले ट्रक में कितनी ईंट जा सकें, तो मुझे बताइएगा कितना आप ले जा सकते हैं, कितनी ईंट आप ले जा सकते हैं एक साथ, नंबर ऑफ ईंट, नंबर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रिक, अगर 1 टन की बात करूं तो 8 टन में हो गया 8000 किलोग्राम, भाई 8 टन का मतलब क्या है, 8000 किलोग्राम, ये तो हो गई आपकी पूरे ट्रक की क्षमता, और एक ब्रिक का जो वेट है वो है 3 किलोग्राम, तो नंबर ऑफ ब्रिक तभी तो निकलेगा कि हाँ इतना ब्रिक ये ले जा सकता है, तो आपने क्या कहा सर, ये हो जाएगा 2667, अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसे तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब 1800 हो जाएगा, ये भी बहुत कम हो जाएगा,
2000 भी काफी कम हो जाएगा, 3000 ज्यादा हो जाएगा, तो आप किस पर आंसर करोगे, किस पर टिक मारोगे? सी पर। तो ये हो गया आपका 2500 आंसर। समझ गए क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा आगे बढ़ते हैं। हाँ चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ डिमोलिस्ड मटेरियल इज नोन एज, विध्वंस की गई सामग्री के मूल्य को कहा जाता है। एसएससी 2016, बोलो जरा जल्दी से, जवाब करें, खत्म करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें। द वैल्यू ऑफ, बोलो, पढ़ो जरा क्वेश्चन को पहले। तो डिमोलिस्ट का मतलब विध्वंस, खत्म किया गया, नोन एज, दिस इज व्हाट। एक मिनट में आपका जवाब आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूज ही नहीं किया गया, साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन का जवाब आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है सर, बोलो जरा जल्दी से, एक सेकेंड। हाँ अरे बार बार हो क्या रहा है भाई, कुछ तो समस्या है। दया कुछ तो गड़बड़ है। मैं जैसी चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पूरा तुम्हारा हो ही नहीं रहा, एक सेकेंड। हाँ थोड़ा सा है, वन सेकेंड, यहाँ पढ़ते ना, ये लो, ये क्वेश्चन था। इसको स्क्रैप वैल्यू बोला जाते हैं, रद्दी माल का मूल्य, ठीक है। ये लो, हिंदी में मैंने इसलिए रखा है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए हिंदी में रखा है क्योंकि हिंदी में, क्योंकि ये लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर देता दिमाग में, है ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी रखे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विदाउट बींग डिसमेंटल्ड इज नोन एज, किसी संपत्ति का उपयोगी अवधि विखंडीकरण किए बिना, समझो चीजों को, उपयोगी अवधि मतलब कि विखंडीकरण किए बिना, विदाउट डिसमेंटल का मतलब ये होता है, ठीक है ना, उपयोगी अवधि के अंत में उसके मूल्य को क्या कहा जाता है। आप पढ़ें हिंदी में, हाँ चलिएगा, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू और जंक वैल्यू। तो आप क्या जवाब करोगे, विदाउट डिसमेंटल्ड है भाई, ठीक है, दिस इज द सेल्वेज वैल्यू, बहुत बढ़िया, निस्तारण वैल्यू इसको बोला जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से समस्या हो गई शुरू। सर ये समस्या क्यों हो रही है, ये बताओ पहले तो। चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वर्क कॉस्टिंग जरा जवाब करो, वर्क कॉस्टिंग आरएस 20,000, 20,000 है, बहुत छोटा वर्क है भाई, 20,000 का कोई प्रोजेक्ट करेगा क्या? आप तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे पीडब्ल्यूडी में, करोड़ों का जब बजट आएगा उसका करोड़ों का ही पैसा उड़ाओगे फिर, है ना, यही क्या यही करना है ना सर, क्या सिखा रहे हैं आप, गलत बात है सर। हाँ भाई यही करोगे आप, चलो कोई बात नहीं, जब करोगे तब बता देना। तो 2000 की लागत वाले कार्य को आप बोलते हैं छुटपुट कार्य, पीटी वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा एनुअल एस्टिमेटिंग, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के साथ हल्का सा, तो जब MBA बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर एक काम आता है। चलो कोई नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बताओ, एनुअल इंस्टॉलमेंट आई ऑफ द सिंकिंग फंड एस ओवर द एन ईयर एट आई रेट ऑफ द इंटरेस्ट मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो आपको जवाब करना है डियर स्टूडेंट फटाक से, आई इज इक्वल टू एस इंटू आई अपॉन 1 + i^n - 1। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, जिसमें समय नहीं लगाना तो हम बिल्कुल लगाएंगे नहीं। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डिप्रेशन डी डेप्रिसिएशन सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू, कितने लोगों को पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? डियर स्टूडेंट जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है जल्दी से बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस लाइफ इन ईयर, ठीक है ना, कितना उसका लाइफ है। चलिएगा, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी अप टू कितने तक, कितने तक, जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाफट से जवाब करें। बहुत बढ़िया, और क्लास में जरूर रहा करो भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाते हो आप क्लास के टाइम पे, सो जाते हैं क्या? कितना परसेंट? फोर्टीन में बी ऑप्शन करेंगे आप, वेरी गुड। तो 50% का एरिया से काम किया जाता है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में अब आपको जवाब देना है डियर स्टूडेंट, और बिल्कुल भी जल्दीबाजी में बिल्कुल ना दें, क्योंकि क्वेश्चन में जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है, लेकिन आंसर आपके 418 मीटर स्क्वायर है, कंफ्यूज ना हो, 420 मीटर स्क्वायर है, 419 मीटर स्क्वायर है, और 421 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसमें आंसर करता है। पूछा क्या गया है पहले तो ध्यान से पढ़ो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, पहले खुद से आप करें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कहीं से कोई जरूरत नहीं है। बताओ जरा फटाफट से जवाब करें, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा आराम से, कितना आएगा ये तो मैं बताऊंगा ये आपको डियर स्टूडेंट। बोलो, प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इफ अ बिल्डिंग विद ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 220 मीटर स्क्वायर एंड फर्स्ट फ्लोर ऑफ द 200 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ओवर अ प्लॉट ऑफ एरिया 25 गुणा 30। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिया हुआ है, मतलब इसमें इतना सिंपल आपका क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। एरिया चाहिए था आपको, एरिया बस, और कुछ नहीं चाहिए था। जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, 420 कैसे हुआ सर, कुछ भी नहीं करना होता है डियर स्टूडेंट, जो प्लिंथ एरिया है ना 220। देखो जरा ध्यान से, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इफ द बिल्डिंग विद ग्राउंड फ्लोर 220, ग्राउंड फ्लोर एरिया होगा जो 220 होगा, और फर्स्ट फ्लोर एरिया जो होता है इसमें जोड़ दोगे, इसको दोनों को जोड़ दोगे, कितना है 200। यही आता है डियर स्टूडेंट आपका 420, और यही होगा क्या, ये तरीके हैं सारे, सारे हथकंडे आपको बता रहा हूं, 420 नाम सही है, ये होगा बिल्डिंग का, बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया, दिस इज द प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, दोनों को जोड़ दोगे खत्म, चलिएगा 420 नाम सही है ये, 420 लो, चलिएगा नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इन द एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, जल्दी से जवाब करें जी, इन द एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, कितना कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अपना रखता है, कितना परसेंटेज पे रखता है, ये पूछा गया है। तो ये डेटा है, और डेटा वाले क्वेश्चनों में तो मैं बिल्कुल आपसे मेहनत कराऊंगा नहीं, बिल्कुल डेटा को देखते ही डन करके जवाब देना है। तो जल्दी से जवाब करें जरा जी फटाफट से। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको मिलता है 1,00,000 का चेक। सर कहाँ है, आप बोलते रहते हो सर खाली देते तो ही नहीं, आप 10 रुपये नहीं देते, 1,00,000 तो छोड़ो आप चलो क्या हो जाएगा, 10% का ना। हाँ बेटा सही है, बहुत बढ़िया, सब लोगों को रटा हुआ है भाई, 10% चलेगा। इसका जवाब करो आप, ये क्वेश्चन आपका जो मांग रहा है, बताओ जरा ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। फॉर द बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट द एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड बाय पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बोलो, अनु शर्मा बोल रहे हैं, सर ये क्लास कंटिन्यू कीजिए प्लीज 5-6 डेज। हाँ पर क्वेश्चन 10,00,000। हाँ बताओ जरा जवाब करें, सेंटर लाइन मेथड कौन सा मेथड का अडॉप्ट करता है, याद कर लो यार इसको, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, वेरी गुड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। चलेगा, आ गया वो घड़ी मिलन की, इस क्वेश्चन से मिलने की बहुत हमें चाह थी, इस क्वेश्चन से मिलने वाले थे हम बहुत देर से। जरा बताते हैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, चलो बताओ, पहले तो बताओ इसका आंसर, बोलो फटाफट से जोर से बोलो। द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल एज,
एज, आउटर वॉल एज एरिया दिया है 10.3 इंटू 15.3। कुछ नहीं दिया आपको एग्जाम में, फिगर में आपको सॉल्यूशन में बना के दिखाऊंगा, आपको खुद से बनाना है। पहले थिकनेस ऑफ द वॉल इज सुपर स्ट्रक्चर इज 0.3 मीटर, जो वॉल है उनकी थिकनेस 0.3 मीटर। कारपेट एरिया आपको निकालना है, व्हाट इज द कारपेट एरिया, तो चलो शुरू करते हैं, चलो करते हैं जरा, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, करें क्या शुरू। कितने लोगों का जवाब आ रहा है यहां पर, अभी एक स्टूडेंट का जवाब आया है पवन सहगल 150, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया, रटा हुआ है क्या इतने जल्दी कर दिया। चलो मैं बता देता हूं, देखो ये यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको साफ साफ तरीके से दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये यही तो बोला था आपको, देखो जरा ध्यान से, देखो यहां पर यही तो बोला था आपसे कि बोला गया है कि 15.3 ये तुम्हारा लेंथ में दे रखा है ये लो, और इधर 10.3 ये दे रखा है 10.3, ये देखो जरा ध्यान से 10.3 ये दे रखा है। ये भी उसने बोला है कि वॉल का जो थिकनेस है ये भी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, ये 30 सेंटीमीटर का दे दिया है। अब क्या है ना डियर स्टूडेंट, ये 10.3 है भाई, ये तुमको दे रखा था, हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये आपका घटा दो यार, इतना सोचते क्यों हो आप, ठीक है ना, इतना घटा दो आप, बताओ जरा भाई 15 पॉइंट, ध्यान से देखो इधर, 15.3 में से अगर 0.3 आप घटा देते हो, 0.3 घटा दे तो ये 15 आ जाएगा सेंटर लाइन से, सेंटर से। और मैं अगर आपसे बोलूं कि 10.3 में से अगर आप 0.3 घटा दो, क्योंकि चौड़ाई तो हर जगह सेम है, ये आ जाएगा आपका 10। यही तो फ्लोर एरिया होता है डियर स्टूडेंट, नहीं समझे ना, क्या किया मैंने, फ्लोर एरिया, ठीक है ना, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, ठीक है ना, कारपेट एरिया जिसको आप कहते हैं, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया भी कहते हैं इसको, तो कारपेट एरिया यही ना होगा आपका 10 गुणा 15, नहीं समझे ना। चलो मैं बता रहा हूं, देखो 10 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 150। देख के ही आपको जवाब करना था, देख के डियर स्टूडेंट आपको जवाब करना था। आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, कि ये वाला लेंथ आपने सबसे पहले दिया, ये आपका क्या है, ये 15.3 ये है, ये सेंटर लाइन से अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, इस सेंटर लाइन से, ये देखो ये तुम्हारे सेंटर लाइन से दिया गया है, ठीक है ना, ये 15.3 क्या है ये कर दिया आपने, ठीक है, समझ गए क्या। तो कुल मिला के ये वाला जो लेंथ है, अगर आप 0.3 का इसको कह रहे हैं, ये वाला जो डेप्थ है 0.3 है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला जो चीज़ है, समझो समझो चीज़ों को, ये वाला जो चीज़ है ये 0.3 का हाफ है, और अगेन ये वाली जो चीज़ है ये भी आपका 0.3 का हाफ है। तो इनडायरेक्टली अगर मुझे दोनों जगह से मुझे चाहिए ये है, एक्चुअली में मुझे ये चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, 0.3 का हाफ इधर से घटाया और 0.3 का हाफ इधर से घटाया, तो इनडायरेक्टली आपने क्या घटाया, 15.3 में से 0.3 घटाया, जो कि कितना मिला आपको 15 मिला, यही तो किया था आपने यहां से, बोल दो, बोलो जल्दी से, लॉजिक को पकड़ गए क्या, तो ये आपको मिला कितना 15 का मिल गया यहां से, वेरी गुड, सब लोगों को समझ आ रहा। और यहां से आपने देखा तो यहां से आपका ये 10 मिल गया, सेम लॉजिक के साथ 10 मिल गया, तो ये तो अब आपके लिए जो है, हाँ आज बहुत गर्मी है सर, जिसकी वजह से मैं ग्राउंड फ्लोर से लाइव हूँ बहुत बढ़िया बेटा, चलिएगा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं। एक कमरा है डियर स्टूडेंट, एक कमरा है 4 मीटर गुणा 3 मीटर का, पढ़ो जरा यूपीपीसीएल जेई 2013। चले बढ़ गए, हम बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गए। देखो एक कमरा आपका 4 मीटर गुणा 3 मीटर का है, उसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर की दीवारें हो रही हैं, 20 सेंटीमीटर के थिकनेस की दीवारें हो रही हैं। दीवारों की गणना करते हुए, मतलब कैलकुलेशन करते हुए, एस्टिमेटिंग करते हुए, मध्य रेखा विधि को नहीं समझते ना आप, मध्य रेखा विधि समझते हैं क्या, सेंटर लाइन मेथड के बेस पर आपको निकालना है। आप देखते हैं कितने लोगों ने सेंटर लाइन मेथड पढ़ा है, जरा करते हैं जवाब, चलो जल्दी से जवाब करो, बताओ। चलो वेरी गुड, जवाब करो क्या आएगा, आंसर किसी का नहीं आया अभी तक, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में, अभी तो हमने बहुत क्वेश्चन करने हैं भाई, अभी तो आपने अर्धशतक मारा है, 20 क्वेश्चन अभी और हैं आपके,
बताओ जरा फटाफट से, धनाधन धनाधन करके। लेकिन मेहनत वाले क्वेश्चन यहीं तक हैं भाई, इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट से जवाब करेंगे हम आगे। पहले तो इनका जवाब करो आप अच्छे से। 14.8 सहगल जी का आंसर आया है, अनु शर्मा सी ऑप्शन आया है, संजय कुमार अभी तक नहीं आया। चलो जवाब करेंगे आप, चलो फटाफट से जवाब करो। आंसर बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोगों का आंसर सी सी आ रहा है। क्यों भाई सी आंसर से इतना प्यार क्यों है आपको है? सेंटर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, डियर स्टूडेंट पहले तो मैं कमरा बना देता हूं 4 मीटर और 3 मीटर का। सबसे पहले डियर स्टूडेंट कमरा का मतलब आप समझते हैं क्या? कमरा का मतलब समझते हैं आप? जो ये 4 मीटर और 3 मीटर दिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो 4 मीटर और 3 मीटर दिया है ये तुम्हें दिया है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया दिया है ये क्या दिया है? फ्लोर एरिया दिया है डियर स्टूडेंट, इस चीज को समझो। ये जो तुम्हें दिया है ये 4 मीटर ये वाला है, अगर ये बड़ा वाला है, और 3 मीटर ये वाला लेंथ होता है जी, ये अंदर वाला एरिया है जी, ये अंदर की बात है, ये 3 मीटर ये है। कमरे का एरिया मतलब जिसमें आप दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं आराम से, दीवार के अंदर थोड़ी घुसोगे। अब इसके बाहर जो है दीवार अब बनी है, अब ये दीवार कितने चौड़ाई की है? ये 20-20 सेंटीमीटर की है। ये है बात। अब मैं इसको फिगर से बता देता हूं आपको। अब देखो इस फिगर को देखें आप ध्यान से, इस फिगर में आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। देखो अब देखो कहानी को, अभी आपका 4 मीटर और 4 मीटर की ये जो दीवार है आपको दी हुई थी, ये दी हुई थी क्या? बिल्कुल। 3 मीटर की ये दे रखी है आपको, लो जी 3 मीटर ये हो गया। रूम आपका ये है ना, रूम तो ऐसी बनाते हैं ना, आपने कभी बनाया हो, कभी मैप मूव बनाया है क्या? देखो तो हो गई, तो 4 मीटर × 3 मीटर का ये हो गया। थिकनेस आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर का, ये लिखो लिखा हुआ है। अब बोला क्या गया आपको डियर स्टूडेंट, एज पर सेंटर लाइन मेथड, एज पर सेंटर लाइन मेथड, सुनते रहो बस कहानी को, एज पर सेंटर लाइन मेथड। ठीक है ना, सेंटर लाइन मेथड। तो आप क्या करोगे जी, 3.2 प्लस, नहीं समझे ना, बहुत से लोग नहीं समझे हैं, 4.2 प्लस 4.2, यही होगा डियर स्टूडेंट, यही वो लेंथ है 14.8 मीटर आपका आंसर होगा। कैसे किया सर आपने, जरा हमें समझा दो, मुझे हमें भी समझा दो सर। सेंटर लाइन मेथड है डियर स्टूडेंट, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड 3.2, ठीक है ना, 3.2। डियर स्टूडेंट यहां पर आपको क्या करना है, ये देखो आप, ये देखो आप, ये वाली लेंथ यहां से जाओगे आप, देखो समझो चीजों को। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं यहां पर, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं इन चीजों को, इसलिए ध्यान से फोकस करो, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है सब कुछ, सब महाभारत एक जैसे होने वाली है। ये देखो ये सेंटर लाइन, ठीक, ये देखो सेंटर लाइन, और यहां से ये लाइन, इसकी बात कर रहा था मैं, अब समझ गए होंगे शायद मैं किसकी बात कर रहा था, ये बात करी मैंने, ठीक है, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। मुझे बताओ कि ये चीज कितना होगा भाई, 0.2 का हाफ यहां से करोगे और 0.2 का हाफ यहां से करोगे, समझो चीजों को, 0.2 का हाफ यहां पर जोड़ोगे तो इनडायरेक्टली आप जोड़ कितना रहे हैं, 3 में आप कितना जोड़ रहे हो, इनडायरेक्टली आप 0.2 ही जोड़ रहे हैं, उसको मीटर में कर दो, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर होता है भाई, ठीक है, तो 0.2 जोड़ दो तो 3.2 आपका ये हो गया। ऐसा ही आपका 3.2 यहां से भी हो गया, पूरी लेंथ आपको जोड़नी है, 3.2 ये भी हो गया। इनडायरेक्टली यहां से भी देखा जाए, इसके सेंटर लाइन से देखो यहां से, तो ये वाली लेंथ ये देखो, ये समझो चीजों को, ये और ये कितना होगा सर, सेम वही लॉजिक के साथ, 4 प्लस 4 प्लस 0.2 मतलब कि 4.2 अगेन यहां से भी होगा और इधर से भी 4.2 होगा। वेरी गुड। तो यही होता है डियर स्टूडेंट सेंटर लाइन मेथड की कहानी, ये हो गई आपकी सेंटर लाइन मेथड की कहानी। बस जोड़ जाओ आप सारे लेंथ को, जोड़ जाओ, तो कहने का मतलब है अब आप क्या आ गया 14 पॉइंट। तो कभी भी जीवन में इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई कमरा दिया जाए, उसके दीवारों का थिकनेस दिया जाए, सेंटर लाइन मेथड के बेस पर अगर अगर दीवारों की लंबाई पूछी जाए, टोटली दीवारों की लंबाई पूछी जाए सेंटर लाइन मेथड के बेस पर, तो चारों को जोड़ दो,
उसमें थिकनेस को ऐड करके, और वो लॉजिक मैंने बताया है, लॉजिक को समझ गए सब लोग? आंसर समझ गए कितना आया? समझ गए क्या? वेरी गुड। चलिए, तो मुझे नहीं लगता है किसी को तकलीफ होनी चाहिए अब इनमें, इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना? तो सबको समझ आ गया ना कुल मिला के? चलेगा, तो 14.8 आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, बताओ जरा, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट वर्क इन द आरसीसी इज इन, आरसीसी की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, ये आरसीसी को मीटर क्यूब में करते हैं जी, आरसीसी को किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब आप इसको बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका खटक से आपका सही हो जाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ पर क्विंटल फॉर एज फॉलो, पर क्विंटल, अभी आपका पर क्विंटल के हिसाब से आप तो स्टील ही लाते हो, स्टील का सरिया जो लाते हैं, आप बोलते हैं ना कि सरिया, जब आप मार्केट में जाते हो सरिया क्या बोलते हैं आपकी, पर क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 9 क्विंटल, ये क्या होता है, माइल स्टील का बार के लिए होता है, आरसीसी वर्क के लिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, एनुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, सच अ कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज, इस कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, फटाफट से जवाब करेंगे, ये तुम्हारे रैपिड फायर है, इसमें बिल्कुल आपको समय नहीं दिया जाएगा, तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, धनाधन, पढ़ो क्वेश्चन को धनाधन आंसर करो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द वुड वर्क इन द डुअर्स, डुअर्स समझते हैं दरवाजा, एंड विंडो फ्रेम, राफ्टर, बीम, रूफ ट्रस, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से जवाब करें, किसमें करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यूमिक मीटर क्या, मीटर क्यूब क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आपका हो जाएगा ये मीटर क्यूब, अगेन ये सारा आपकी चीजें मीटर क्यूब में हो जाती हैं। आगे बढ़ें, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्टील वर्क इन द ट्रस, अब स्टील वर्क का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्टील वर्क की बात करते हैं तो ये हमेशा किस में आता है, जल्दी से जवाब करो, स्टील वर्क मेजरमेंट, तो ये हमारा क्विंटल में किया जाता है डियर स्टूडेंट, स्टील वर्क का जो मोस्टली हम क्या करते हैं, क्विंटल में हम काम करते हैं, चलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ याद भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइट, फैन, आपने देखा होगा जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें हैं, ठीक है ना, जो बिजली की फिटिंग करते हैं, तो वो आपका हर एक जो चीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गई या लाइट हो गया, फैन हो गया, तो वो किसके हिसाब से आप मेजरमेंट लगाते हो, वो लगाते हैं आप पॉइंट के हिसाब से, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट, जैसे आपको 10 जगह पर करना है, 10 पॉइंट लगाने हैं, तो 10 बल्ब लगाने हैं, उसके लिए पॉइंट करते हैं, तो ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से करते हैं, तो ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ पॉइंट, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पार्टीशन वॉल इज, पार्टीशन वॉल आप समझते हैं, जो लोड बियरिंग वॉल होती है, नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है जो, ठीक है ना, पार्टीशन वॉल, तो उसके लिए हम किस में मेजरमेंट करते हैं बताइएगा, पार्टीशन वॉल, क्वेश्चन नंबर 28, तो ये करते हैं हम मीटर स्क्वायर में डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर में करते हैं, ये लो मीटर स्क्वायर में, अब ठीक है ना, आगे चलते हैं, चलेगा। यूनिट ऑफ द पेमेंट फॉर द एसी सीट रूफिंग, एसी, एसी सुपर सीट रूफिंग, रूफिंग समझते हैं ना आप, छत, तो उसका जो पेमेंट हम करते हैं किस बेस पर करते हैं, तो जरा बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, इसका भी अगेन हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, खत्म, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, चलेगा। वाइल एस्टिमेटिंग फॉर द प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड, जल्दी से जवाब करें, फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर दी, वाइल प्लास्टरिंग, जल्दी जल्दी से जवाब करें, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बोलो, 30 का जवाब करें फटाफट से, इस बोलो, एंड ऑफ द बीम स्मॉल ओपनिंग अप टू द 0.5 स्क्वायर मीटर, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन, एंड ऑफ द राफ्टर, मतलब कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें जवाब आया भाई इसका, आशीष, मिस्टर राधे, राधे, अनु जी, सबका जवाब सही आ गया। अब चलो आगे चलते हैं, सेंटर लाइन मेथड स्पेसिफाइड इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग, सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग द एक्टोगोनल बिल्डिंग, हेक्सागोनल बिल्डिंग,
या सर्कुलर बिल्डिंग या डी ऑप्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट जब हम सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं तो यहां पर हर टाइप के बिल्डिंग के जो भी आपका स्टेटमेंट में दिया है सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन खत्म। अब आते हैं कि हमारे पास एस्टिमेट बोला गया है, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट स्क्वायर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलेगा जल्दी से एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टू लीस्ट एक्यूरेट इज, बोलूं सबसे कम एक्यूरेट कौन सा है? प्लिंथ एरिया मेथड क्या? वेरी गुड। तो ये हो जाता है हमारा प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है ना। प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज द लीस्ट एक्यूरेट। ओके चलेगा, सबसे बढ़िया होता है डिटेल एस्टिमेटिंग, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यूजफुल पार्ट ऑफ द लाइवेबल एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज। अभी जस्ट पहले हमने इतनी लंबी कहानी बताई आपको, इतना लंबी कहानी बताई कि जो फ्लोर एरिया होता है मतलब कि जो बिल्डिंग का एरिया होता है जिसमें आप चलते फिरते नाचते गाते खाते पीते सब हो, तो वो एरिया क्या होता है? मतलब कि ये वाला एरिया, ये लेंथ हो गई माना और ये ब्रेथ हो गई, ये एरिया। इसके बाहर आपकी दीवार होंगी, ठीक है ना। ये दीवार में थोड़ी ना नाचोगे, यहाँ तो जा ही नहीं पाओगे। बताएगा उस एरिया को क्या बोलते हैं आप? सर इसको बोला जाता है कारपेट एरिया। वेरी गुड, इसको बोला जाता है कारपेट एरिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये भी आपका डेटा का बेस क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज व्हाट, दिस शुड बी व्हाट, जल्दी से बोलिए। ये लेबर का कॉस्ट तो आएगा ही भाई, सारा का सारा बिल्डिंग लेबर ने बनाया है और बिल्डिंग का कॉस्ट तो आना ही है। इतना बिल्डिंग के कॉस्ट में आपका देखेगा, अगर हम बात करें बिल्डिंग के कॉस्ट में, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट आता है, ठीक है ना, और भी सारे तुम्हारे बहुत सारे कॉस्ट उसमें अलग से जुड़ जाते हैं, वेस्टेज कॉस्ट, ठीक है ना, वो सारी चीजें जुड़ी जाती हैं। बट लेबर कॉस्ट तो सेपरेटली है ना, जितनी उसने लेबर कॉस्ट उसमें जितनी लगेगी, ठीक है ना, जितना दिहाड़ी बनी होगी उस हिसाब से। सॉरी आगे चलें। चलेगा क्वेश्चन नंबर 35। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर इज, बोलो जल्दी से जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 35 ये हो जाएगा आपका कोलेप्सिबल गेट, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर्स एंड ग्लेजिंग स्टील डोर्स, सारे के सारे आपके मीटर स्क्वायर में होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, सारे के सारे मीटर स्क्वायर में ही मेजरमेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जवाब करें। वाइल मिक्सिंग सीमेंट मोटार बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इज स्पेसिफाइड एज। देखिएगा ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू, मतलब कि डेंसिटी, मतलब कि जब आप डेंसिटी पढ़ते हैं तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और कभी भी आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या करोगे, वेट पर डेंसिटी करोगे, डेंसिटी करोगे। अब आप जानते हैं कि एक बैग में आपका जो कितना वेट होता है, 50 किलोग्राम का वेट होता है, जानते हो क्या, एक बैग सीमेंट का 50 किलोग्राम का होता है। और डेंसिटी सीमेंट का कितना होता है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0.034, ठीक है ना, ये मीटर क्यूब में आता है, लेकिन इसको अगर हवा 1000 का मल्टीप्लाई करें तो ये लीटर में आ जाएगा, 35 लीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सब लोगों का बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ वर्क कॉस्टिंग मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ का इनाम मिलता है आपको इस क्वेश्चन के लिए, बताओ क्या आएगा उसमें, सब्सटेंशियल वर्क, माइनर वर्क, प्रोजेक्ट में आएगा या आपका मेजर वर्क में आएगा? तो आप आराम से बोल सकते हैं सर ये आ जाएगा आपका, बोलो मेजर वर्क में, किसमें आएगा ये, मेजर वर्क में। खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाता है इसको, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर इज पेड सर्टेन परसेंटेज ओवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज हिज प्रॉफिट, सच कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्स एज कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की लास्ट का। इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। ये तो होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। ये तो करते हैं आप लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 39, हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, समझ गए क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, आरसीसी के लिए हमने बात कर दी है कि जब भी हम आरसीसी के वर्क के लिए बात करें तो हम हमेशा उसको मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर भी इसको बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो बहुत सिंपल हो गया, मीटर क्यूब में इसको जो है जब आप करेंगे, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक चलेगा। तो डियर स्टूडेंट होप सो आपने आज के सीरीज से कुछ सीखा हो, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, कोई काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला हो, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा आज कि कुछ क्वेश्चन थे जो आपके रटे रटाए क्वेश्चन थे कि डीपीसी है या आपका माना फ्लोर जो फर्श है फ्लोर है या आपके माइल्ड स्टील बार्स हैं, स्टील वर्क है, ये सारी प्लास्टर का वर्क है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना सर। कल न्यू क्वेश्चन लाइए एस्टिमेटिंग के, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल एस्टिमेशन के कुछ डेप्थ वाले क्वेश्चन कराएंगे आज। देखिएगा मैं आपको पता है कि जब भी मैं सेकंड पार्ट लाया, अभी तक सेकंड पार्ट नहीं लाया हूँ ना किसी भी सब्जेक्ट का, केवल अभी फर्स्ट पार्ट लाया हूँ। तो पहले पार्ट में मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ईजी पार्ट है। मैंने आपको कहा भी था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको सेपरेटली करा रहा हूँ इस स्लॉट में। हर एक सब्जेक्ट का पहला जो पार्ट है वो बहुत इजी लेवल का है, वो क्वेश्चन आपने कर भी लिए हैं कई बार पहले मेरे प्रैक्टिस सेट में, बट एक तरह से रिवीजन है। लेकिन जो सेकंड आएगा आपका, हर एक सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट जो आ रहा है, जैसे कि सर्वेइंग का सेकंड पार्ट आया था तो उसमें हमने कुछ एडवांस क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट में सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड पार्ट आएगा हर एक सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारा एडवांस लेवल का आएगा फिर, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बिल्कुल प्योरली नया होगा वो। हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, है ना, चलेगा रटना ही पड़ेगा यार। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉस्टिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग के जान है एक्चुअली में, इनके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा रामबाण सिद्ध होता है, पता भी होना चाहिए, है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, है ना। तो होप सो आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है ना, बहुत से लोगों को सीखने को भी मिला है और बहुत से लोगों को रिवीजन के लिए भी मिला है, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। तो यहाँ पर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है ना, क्लास में ज़रूर रहा करें सभी लोग, ठीक है ना, जिससे कि आपको सभी लोगों को फ़ायदा हो क्वेश्चन से लेकर, और अपना सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है उस पर आप बूस्टअप कर सकें, है ना।